नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ मऊगंज विधानसभा के पूर्व बीएसपी प्रत्याशी और वर्तमान कांग्रेस नेता मिगेंद्र सिंह जी हैं। उनके जीवन के इस राजनीतिक सफर के बारे में, उनके जीवन में आए उतार चढ़ावों के बारे में और वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनैतिक परिदृश्य और आगामी चुनावों के बारे में, साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे, जनता की समस्याएं, कहां तक वर्तमान जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, इन समस्त मुद्दों की बातचीत आज हम अपनी चर्चा में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज़ पर। स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुपम जी। तो सवालों का जो दौर है उसकी शुरुआत हम आपके राजनैतिक सफ़र की शुरुआत से ही करना चाहेंगे। पहले बीएसपी, फिर कांग्रेस, वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं। बीजेपी, जो बीएसपी का सफ़र रहा आपका, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले हुई, तो किन परिस्थितियों में और कैसे आप बीएसपी की विचारधारा से प्रभावित हुए और फिर कैसे वहाँ पर राजनीति में प्रविष्ट हुए? देखिए, हमारा जो मकसद है वो ग्रामीण परिवेश से हम लोग हैं, तो हम लोग ग्रामीण जो भी जनता है उसके दुख दर्द को जानते हैं और अपना यही प्रयास रहता है कि उस उनके इस समस्याओं का निदान कैसे हो। और बीएसपी चूँकि गरीबों को लेके चल रही थी, इसी थीम पे काम कर रही थी, इसलिए हम बीएसपी को ज्वाइन की और काफ़ी दिनों तक उसमें प्रयास किए। फिर इसके बाद भी, जमीन से जुड़े रहने के बाद भी, लगभग हर विचारधारा, लगभग हर दल, हर पार्टी की एक समस्या कही जा सकती है कि जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जब टिकट की दावेदारी की बात आती है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है कई बार, और आप भी उस उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इस बार आपको टिकट मिला, जनता का भरपूर सपोर्ट मिला, लेकिन आप विजयी नहीं हो सके। उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, बीएसपी में हम 10-11 साल रहे जी। वहाँ पे मान सम्मान मिला, ऐसा नहीं है, और अपनों का प्यार मिला। हमारा कोई किसी जाति धर्म से जुड़े लोगों का ही विशेष उसमें योगदान नहीं है, उसमें सर्व समाज का योगदान था। और सर्व समाज को लेके हम बीएसपी में भी चल रहे थे और आज भी, चाहे वो बीएसपी विचारधारा के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस, सारे लोगों से हमारा लगाव है, जुड़ाव है और स्नेह आशीर्वाद उनका सबका हमें मिलता रहता है। कोई दल की बात नहीं है, दिल की बात है, और हम तो दिलों से जुड़े हुए हैं और उस रिश्ते को हम निभाना चाहते हैं। और हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान जहाँ से होगा वहाँ पे हम जाएंगे, क्योंकि हम तो आप सबके बीच से निकले हैं और आप सबके बीच ही रहना चाहते हैं, इसलिए दिल महत्वपूर्ण है, दल बाद में। एक सवाल थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए, क्योंकि आप उस दल में रह चुके हैं, वर्तमान में भी किसी दल में हैं। बीएसपी के ऊपर या फिर किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर चुनावों के समय पर एक प्रमुख आरोप लगता है, वो आरोप लगता है पैसों के बदले टिकटों की खरीद फरोख्त का। तो क्या इसकी वजह से बीएसपी में आपको टिकट नहीं मिल पा रहा था अभी तक, या फिर इस बार मिला तो किन कठिनाइयों के बाद आपको उस समस्या का समाधान मिला, इस बारे में क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। पिछली बार जो प्रयास 2013 में किया गया था, उसमें एक वरिष्ठ नेता जो यहाँ से, जब बीएसपी का उदय हुआ उस शुरुआती दौर में, यहाँ से सांसद थे, वरिष्ठ नेता थे भीम सिंह जी, और वो यहाँ से इच्छा जाहिर किए कि हमें टिकट दी जाए, शायद इस वजह से हमारी टिकट नहीं मिल पाई थी। और ऐसी कोई बात या डिमांड या इस तरह की कोई बात नहीं थी। ऐसी डिमांड जो बातें आती हैं सामने, तो उसको पूरी तरीके खारिज कर दिया? नहीं, अब देखिए, बातें तो हम लोग भी तमाम सुनने को मिलती है कि नोटबंदी के समय ऐसा हो गया, इस समय ऐसा हो गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये हो गया, तो फला जगह के चुनाव में, लेकिन अपन उसके दुष्प्रभाव से कोई, अपने ऊपर उसका दुष्प्रभाव नहीं था, तो अपन इस बारे में कुछ आपसे कुछ बता नहीं सकते कि क्या है, कैसा है। आपने उन समस्याओं का सामना नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं जी। और वर्तमान में कांग्रेस में हैं, पूर्व यहाँ विजयी प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना जी भी हैं, वो भी कद्दावर नेता हैं, इस बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो अब अगली बार तो डगर और कठिन होने वाली है, क्या मानते हैं? नहीं, डगर कोई कठिन नहीं, अपन तो जनता के लिए काम कर रहे हैं जी। अपने लिए
पद भी उतना महत्वपूर्ण नहीं। हम तो चुनाव लड़ने के पहले ही सर, जब पहली बार हम बराव आए भगवान गणेश के धाम में, तो मैंने वहाँ घोषणा की थी कि हमें जो भी वेतन भत्ता मिलेगा वो सब मऊगंज को समर्पित है। और मऊगंज के लिए आज भी मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना एक जनप्रतिनिधि करता होगा। जो कभी जो भी अपने पास आएगा, पढ़ाई दवाई और अन्य जो भी समस्याएं हैं उनको लेके, तो अपन उसमें पूरे सहभागी रहते हैं। तो इसमें कोई पद की उतनी बात नहीं है, अपन तो ज़मीन से जुड़ के और लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, अपने लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई तड़प रहे विधायक के लिए। कोई पार्टी है जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, उसमें कोई ऐसी स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कैसी रही? हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से हैं जी। हमारे पिताजी यहाँ का 2 बार सरपंच रहे भगदेवा ग्राम पंचायत से, बाकी किसान के बेटे हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा भी कह सकते हैं वहीं से मिली? अब वो भाव तो शुरू से थे, उस परिवेश में थे तो, और गरीबों से लगाव जुड़ाव था जी। इस वजह से राजनीति में आए। कोई अपना और पेशा राजनीति नहीं, पर तो शौकिया राजनीति करते हैं और इसी को चाहते हैं कि चलता रहे। कोई आपके पिताजी की ऐसी बात जो उन्होंने बचपन में आपको सिखाई हो और उसे आप मूल उद्देश्य की तरीके से लेकर के अपने राजनीतिक सफर में चल रहे हैं? पिताजी हमारे संत हैं वैसे जी। यदि किसी संत के बारे में आप बात करेंगे तो वो ये संत की श्रेणी में है। जब मैं 6 महीने का था तो मेरी माँ नहीं रही, और उसके बाद उन्होंने, वो मेरे पिता थे, माँ थे, सभी कुछ थे मान ले, और निहायत ही सज्जन और वो हैं। तो उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिली, जितना भी कुछ मिला सब उनसे मिला। आपके बारे में जब क्षेत्र में बात की जाती है, जब क्षेत्र के लोगों से बातचीत की जाती है, तो आपके घर में अभी भी जनता दरबार आप सुबह लगाते हैं ऐसा सुनने में आया है, तो ये लगभग कितने वर्षों से चल रहा है और इसकी प्रेरणा या फिर लोगों की समस्याओं को समाधान करने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? हमें देखें अच्छा लगता है जी। कि यदि हम कोई गरीब का बच्चा पढ़ ले हमारी वजह से, उसमें हमारा कोई योगदान हो जाए, किसी गरीब का बच्चा स्वस्थ हो जाए उस इलाज से, यदि थोड़ा बहुत हमारे सहयोग से। अभी परसों ही हम एक बच्चे को भी यहाँ से भेजे हैं अपने गौरी से, काफ़ी उनकी स्थिति खराब थी, मैं होली मिलन में गया था तो लोगों ने वहाँ चर्चा किया, और आनंद फानन में उनको संजय गांधी भिजवा के वहाँ पूरी व्यवस्था कराई। भगवान ईश्वर करेगा वो बचेंगे। तो इस तरह के काम तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे अनवरत जब तक हम लोग हैं तब तक। और इसके साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि जो वर्तमान समय में मऊगंज विधानसभा के विजय प्रत्याशी हैं बीजेपी से हैं प्रदीप पटेल जी, उनके कार्यशीलता को लेकर के उन जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए क्या है, काम करने का हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। हम मूल उद्देश्य जो लेके चले थे मऊगंज के लिए वो था हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, कि हम इस पे काम करेंगे। यदि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमारी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। यदि हमारी आज सड़क मान लीजिए कच्ची है तो कल भी पक्की हो जाएगी, कल भी मुरीमीकरण हो जाएगा। लेकिन यदि बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो वो 5 साल बाद तो नहीं पढ़ेगा। इसलिए पीढ़ियों को बनाने का, संवारने का काम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सैनिक स्कूल है, ना कोई केंद्रीय विद्यालय है, ना कोई ऐसा स्कूल है जहाँ लोग पढ़ा सके बच्चों को। पिछले साल हम होली पे यहाँ होली मिलन समारोह था अधिवक्ता संघ का, उसमें मेरे को बुलाया गया था, तो तमाम लोगों ने, वहाँ जजेज थे, उन्होंने भी इस बात को रखा कि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को भी दिक्कत हो रही। तो हमारा तो प्रयास इसी दिशा में है कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो। लेकिन अभी 2-2.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ परिलक्षित नहीं हो पा रहा है, और सरकार और विधायक बहुत दिन बाद मऊगंज में एक साथ हैं कि सत्ता पक्ष का विधायक रहता नहीं था, ऐसा कुछ दुर्भाग्य रहा होगा। लेकिन अब वर्तमान में तो परिस्थितियां भी नहीं हैं, तो विकास तो होना चाहिए लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। दिखने में बस वही कुछ ये जो यात्री प्रतीक्षालय आते जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, बाकी और तो कुछ कहीं दिख रहा ही रहा। और इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार
में लगातार जो तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई सारे वादे किए जाते रहे हैं। मऊगंज जिले बनाने की मांग, ये एक यहाँ के जनमन से निकलने वाली एक व्यापक मांग कही जा सकती है, जो 2019 के चुनावों के पहले भी व्यापक रही, उसके बाद सरकार बनने के बाद फिर से एक बार सुसुप्तावस्था में चली गई है सरकार की नज़र में। तो ये मानते हैं कि मऊगंज को उपेक्षा का शिकार सरकार की वजह से होना पड़ रहा है। देखिए, ये मुद्दा जब हम नामांकन भरने गए थे उस समय भी मीडिया ने ये बात उठाई थी कि मऊगंज को जिला पे आपका क्या विचार है। तो जो विचार हमारा तब था वो विचार, हम जिला चाहते हैं, पर हम विकास के साथ जिला चाहते हैं। कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में कि जिला तो बन गए लेकिन विकास के नाम पे शून्य है। सीधी है आपके बगल में, पन्ना है आपके बगल में। तो हम विकास के साथ जिला चाहते हैं, और जाहिर है कि जिला बनेगा तो जड़कुड़ से रीवा 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है, और मऊगंज जिला हो जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। और दूसरी चीज़, बीच में 18 माह के लिए लगभग कांग्रेस की भी सरकार रही, वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं, तो उस दौरान अपनी इस मांग को आपने प्रदेश सरकार तक पहुँचाने का कोई प्रयास किया क्या? देखिए, माननीय कमलनाथ जी से बात इस मुद्दे पर हुई थी, लेकिन सरकार 15 साल बाद सरकार आई जी। और 18 महीने सरकार रही जी। उस बीच तमाम स्थिरता की सरकार थी जी। पूरा पूर्ण बहुमत की स्थिति तो बनी नहीं थी कि बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उस बीच में खींचतान तो चलते रह गया जी। तो किसी भी इस तरह के मुद्दों पे कोई समाधान निकल के नहीं आया। लास्ट में मैहर को घोषणा हुई, लेकिन आज तक उसमें कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ कि मैहर जिला बनेगा। 5 मार्च को घोषणा हुई थी पिछले साल, लेकिन अभी तक 1 साल तो बीत ही गया, कोई इस तरह का हुआ नहीं। तो जो सरकार, जब स्थिर सरकार नहीं थी तो किस कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो पाया। और कोरोना पिछले 1 वर्ष से देश के जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर रहा है। वर्तमान में बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, पूर्व में बिहार के चुनाव हुए, और ऐसे कई राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं। तो क्या कारण है कि जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में कोरोना की स्थितियां सामान्य सी लगती है, और मध्य प्रदेश में फिर 7 शहरों में लॉकडाउन लग जाता है, या महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में लॉकडाउन लग जाता है, इस पर क्या सोचते हैं? अब ये जादू तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोरोना का दुष्प्रभाव तो देखें वैश्विक है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में है जी। और इसमें कई हस्तियां, कई नामचीन इसमें हमारे बीच से उठ गए इस कोरोना की वजह से। हमारी एक जज हैं इंदौर हाई कोर्ट की, वो भी कोरोना की चपेट में आई और उनका स्वर्गवास हो गया। तो कोरोना तो है जी, लेकिन अभी कम अधिक का आंकड़ा है, और ये जो मैजिक है ये जरूर समझ में नहीं आता हम लोग। एक आगर मालवा के हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के विधायक हैं, चुनाव एक चिट्ठी लिखी हुई है, वो चिट्ठी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है कि जिस जगह पे चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना चला जाता है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव कराए जाने चाहिए, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चय, स्थानीय चुनाव, निकायों के चुनाव बहुत दिनों से यहाँ लंबित पड़े हुए हैं, लगभग 1.5 साल से 1.5-2 साल का कार्यकाल ज़्यादा हो गया है। और ये जनअपेक्षा भी है कि जो जनता जुड़ी हुई है वो चाहते हैं कि भाई नेतृत्व में बदलाव हो, हमारा ग्राम प्रधान बदल जाए, हमारा जनपद अध्यक्ष बदल जाए, जिला पंचायत महापौर। तो जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं या आम जनमानस, वो सब चाह रहा है चुनाव हो। और जब इन परिस्थितियों में हर जगह चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं अभी, तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना चाहिए। क्या मंशा लगती है सरकार की, किस वजह से ये चुनाव टाले जा रहे हैं? सरकार की मंशा देखिए क्या चल रही है कि एक तो किसान आंदोलन और तमाम जो भी देश की स्थिति है उसकी वजह से बंगाल चुनाव चल रहा, तमाम चुनाव चल रहे हैं, और यहाँ भी जोड़ तोड़ की सरकार बनी है। तो अभी ये ट्रायल चल रहा है कि जब स्थितियाँ मजबूत हों तो चुनाव होंगे जी। सरकार स्थितियाँ मजबूत, हाँ सरकार की स्थितियाँ जी, जनता के बीच। क्योंकि आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आपका? हमारा लक्ष्य केवल जनता की सेवा, एक राजनैतिक इच्छा, महत्वाकांक्षाएं नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। भविष्य में मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है तब फिर क्या निर्णय लेंगे?
उस तत्कालिक परिस्थिति में क्या स्थितियां निर्मित होती हैं, निर्णय तो निर्णय हम नहीं लेंगे, निर्णय आप सब लेंगे, निर्णय जो आप सब पूरा का पूरा निर्णय जनता पे छोड़ते हैं, पूरा का निर्णय जनता का। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जिनको अलग करके नए राज्यों का निर्माण किया गया। वर्तमान में ये मांग भी मैहर विधायक के द्वारा फलीभूत की जा रही है। 1956 में जब प्रदेशों का पुनर्निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश को मिला करके एक बृहद प्रदेश बनाया गया। उसके बाद इसी प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्रा से तेलंगाना बना। लेकिन जब मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की पुनरोदय की बात की जाती है तो सरकारों के कानों पर जोर एकता हुआ नहीं दिखाई देता, और दबे मन से हर जनप्रतिनिधि हर जनमन इस मांग को उठाता चला आया है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विंध्य तो पहले से वजूद में था जी, विंध्य का विलय हुआ मध्य प्रदेश में जी, 5 स्टेटों को विलय से मध्य प्रदेश बना था, और उस समय तत्कालिक परिस्थितियां क्या रहीं, अब तत्कालिक नेताओं ने क्यों नहीं विरोध किया इसका कि भाई विंध्य प्रदेश पर्याप्त किया गया था, आंदोलन चले उस दौरान भी, आंदोलन चले लेकिन आंदोलन मान लीजिए असफल हो गया जी। आज मध्य प्रदेश बना, फिर छत्तीसगढ़ बना उसको तोड़ के, विंध्य प्रदेश तो पहले से था तो विंध्य बनना चाहिए जी। लेकिन मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि जब तक हमारा अधोसंरचना मजबूत नहीं हो रही, हम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें अलग राज्य दे दिया जाए, अलग जिला दे दिया जाए, अलग तहसील दे दिया जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी। हम तो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। मतलब खुल करके आप विंध्य प्रदेश का समर्थन नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है? हम समर्थन कर रहे हैं जी, लेकिन समर्थन हमारा विकास के साथ है जी। अब कि विकास होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधियों को मांग अभी जहाँ पे हम हैं, जहाँ हम जिस घर में हैं उस घर में ही हम ये बात करें कि समग्र विकास हो, विंध्य को उस विकास से अछूता ना रखा जाए। अब विंध्य बनेगा तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमारी राजधानी रीवा हो जाएगी जी, जो पहले बरसों से बनी हुई थी, जिसकी एक अपनी अलग अस्मिता महत्व था, वो यदि बनेगी तो बहुत अच्छी बात है, विंध्य बनना चाहिए। और जब हम विकास की बात करते हैं, मुख्य धारा की बात करते हैं, सिगरौली हमारी पूरी तरीके से ऊर्जा राजधानी है, यहाँ के निर्मित बिजली को जो तो दिल्ली में या दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। कृषि के क्षेत्र की भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ के किसान जो हैं तो धरती का सीना चीर करके अच्छी फसलें उगाने में सफल हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा लोग काम करें, हालांकि इस चीज़ से मैं आपके सहमत हूँ कि शिक्षा के संस्थानों का उचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। तो फिर ऐसे में प्रदेश के बनने के बाद क्या संभावनाएँ जागृत होंगी, किन संभावनाओं पर संकट खड़ा हो सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? और विकास के तो पर्याप्त अवसर हमें दिखाई देते हैं जैसा कि अन्य जनप्रतिनिधियों का मानना है। भाई देखें, विकास की तो दिख रहा जी आपको, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ जितने भी अभी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, बिजली कंपनियाँ लगी हुई हैं, अभी आपके इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा गुड़ में, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता जी। हमारा भाई 4,000 में बम्बई में नौकरी कर रहा जी। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने 10-12 लाख रुपए अपने भाइयों को जो कहीं रोजी रोटी की तलाश में गए थे, वहाँ पे वो इस कोरोना के चलते फंस गए थे, तो उनको 2,000, 1,000, 3,000 की मदद करते करते, तो आप ये बताएं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग बाहर हैं, उनको यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? सरकार के पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं कितने लोग बाहर हैं। आंकड़ा सब है उनके पास, पर आंकड़े सब छुपाए जाते हैं। संसद में तो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। पता नहीं है उनको। एक बिटिया 14 साल के अपने पिता को लेके बिहार चली गई थी दिल्ली से 1500 किलोमीटर साइकिल चला के, तो पता सबको है, लेकिन ये है कि गाँव का गरीब का कोई ध्यान देने वाला है नहीं उनके लिए। बस इतना है कि थोड़ा भोजन की व्यवस्था कर दो, तो खाना खाएं, जिंदा रहें और वोट डालें। ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, एबीआर हो जाएंगे, तो फिर नेताओं की दुकानदारी तो बंद ही हो जाएगी। वर्तमान में विपक्ष की भूमिका क्या है? आप भी विपक्ष में हैं,
सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या विपक्ष आपको ऐसा लगता है कि उन सवालों को गंभीरता से उठाने में सफल हो पाता है? विपक्ष देखिए, विपक्ष को अभी तो विपक्ष को दबाया जा रहा जी। विपक्ष को दबाया जा रहा है, और जब तक सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में रहता जी। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार में पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें होनी चाहिए। राजनीति में कोई हार जीत का बहुत माना नहीं होता, मकसद ये है कि जनता के लिए काम हो, जन कल्याणकारी योजनाएं लगाई जाएं, तो काम उस पर होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि विपक्ष भूमिका कैसे निभा पाएगा, विपक्ष को भी तोड़ रहे हैं, विपक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है, तो इसलिए विपक्ष अभी उतनी जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं निभा पा रहा। हम सहमत हैं आपसे। तो विपक्ष को और गंभीरता से और कड़ाई के साथ जो है तो इन मुद्दों को उठाना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? विंध्य प्रदेश को लेकर के भविष्य की आपकी क्या नीति है? क्या कोई आंदोलन आपके द्वारा भी किया जाएगा यहाँ की जनता के साथ मिलकर के, या मऊगंज को जिला बनाने के लिए कोई आंदोलन किया जाएगा, इस बारे में क्या कहते हैं? निश्चय ही जिला बनाने के लिए हम लोगों का प्रयास शुरू होगा, अब तक हो जाता, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। चौराघाट एक बड़ा मुद्दा था यहाँ के लिए, तो चौराघाट तो बनने वाला है, अब उसको हम अपने झूठ मूठ के राजनीतिक लाभ के लिए उसको लेके हम कोई जा रहा शिलान्यास पे शिलान्यास करने, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, तो हम ऐसे मुद्दों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं जुड़ा रहता कि जो चीज़ हो गई उस पर भी हम राजनीति करें, अपने लोगों को गुमराह करें, ये सब अपन नहीं करते हैं। वो बन रहा है सरकारी प्रयास से, और ये बहुत 50 साल पुरानी लंबित मांग थी और अब पूरा होने वाली है। पर्यावरण मंत्रालय की उसमें मंजूरी मिल चुकी है, जल्दी इस पर काम शुरू होने वाला है, तो ये काम तो हो गया है और जिला भी बनेगा मऊगंज, जल्दी ही जिला बनेगा मऊगंज। उसके लिए प्रयास रहते हैं, प्रयास होगा उसके लिए, पूरा प्रयास होगा। और रीवा जो जिला है तो उसमें 8 विधायक 1 सांसद सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, सरकार में एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया। पिछले दिनों गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो क्या संभावनाएं हैं, क्या संतुष्ट हो पाते हैं इस चीज़ को लेकर के? नहीं देखिए, आज यदि सरकार भाजपा की बन पाई या कांग्रेस की सरकार गिर गई तो उसमें विंध्य का बहुत बड़ा योगदान है, भाजपा को बनाने में विंध्य में 32 में शायद 28 सीट मिली थी उनको, तो एक बहुत बड़ा योगदान था। और विंध्य जब एक प्रदेश है तो यहाँ से मंत्री तो होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, लेकिन वो आपसी अंतरकलह या जो भी बात रही हो वो तो भाजपा के अंदरूनी मसले हैं, उसकी वजह से रीवा को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, विंध्य को नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो मांग पूरी हो गई कि अभी भी अधूरी लगती है? नहीं नहीं, वो मांग अधूरी रहे, मंत्री होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष तो एक संवैधानिक पद है और मिला रीवा को, तो रीवा में पहले भी विधानसभा अध्यक्ष थे और उनके ये पहले कंपटीटर रहते थे गिरीश गौतम जी, हम उनको बधाई देते हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया, उनका हक बनता था उस पर, वो अध्यक्ष बने, लेकिन मंत्री तो बनना चाहिए रीवा से। मतलब अभी भी ये मांग जरूरी है, मंत्री होना चाहिए, और विंध्य प्रदेश को लेकर के मऊगंज जिले को लेकर के आपका मानना है कि ये दोनों मांगें पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपकी एक शर्त विकास की है कि विकास के मुद्दे पर ही कोई प्रदेश बन सकता है या उसे बनाया जाना चाहिए, कोई ज़िला बनाया जा सकता है, उपेक्षा का शिकार जिला बना करके नहीं किया जाना चाहिए। आपने कई सारे मुद्दों को लेकर के अपनी सीधी बेबाकी के साथ राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, होली की शुभकामनाएँ आप सबको। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मृगेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर के साथ साथ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ विंध्य प्रदेश और मऊगंज जिले की मांग को लेकर के भी अपनी सशक्त राय रखी। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी, जनता के सेवक या फिर स्थानीय लोक कलाकार से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।